हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं और ख़ास तौर से जब आप इंपोर्ट करा रहे हैं तो डेमोरेज चार्जेस क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेमोरेज होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक इम्पोर्टर हूँ, मैं कंटेनर को इम्पोर्ट करा रहा हूँ, जब मैं कंटेनर को इम्पोर्ट कराता हूँ और वो पोर्ट पर आ जाता है, तो हमारे कंट्री की हो या किसी और कंट्री की कस्टम हो, हमें एक मौका देती है या मैं कहूँ कुछ दिन देती है कि भैया आपका कंटेनर आ गया है, आप यहाँ से ले जाइए। अब वो क्या करते हैं, वो आपको 3 से 7 दिन देती है कि आपका कंटेनर आ गया है, 3 से 7 दिन तक हमारे गोडाउन में पड़ा है। अगर आप 3 से 7 दिन तक या जो भी कस्टम ने डेज डिसाइड कर रखे हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री डेज, अगर इन फ्री डेज में अगर आप कंटेनर पोर्ट से रिलीज करा के ले गए, तब तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी डेमोरेज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर फ्री डेज से ज़्यादा हो गए, सपोज करो कस्टम ने 7 दिन फ्री दिए हुए हैं, मेरा कंटेनर आया पोर्ट पे लगा हुआ है, 7 दिन तक मैं नहीं गया अपने कंटेनर को रिलीज कराने, 8वें दिन कंटेनर का चार्ज लगेगा, जिसे हम बोलते हैं डेमोरेज, यानी पर डे के हिसाब से 8वें दिन। अगर 9वें दिन भी नहीं गया तो 9वें दिन, 10वें दिन भी नहीं गया तो 10वें दिन, 11वें दिन भी नहीं गया तो 11वें दिन, यानी पर डे के हिसाब से कस्टम मुझसे चार्ज लेगी, क्योंकि मैं उसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ। कस्टम कहती है भाई हमारी जगह है, हमारा काम है पोर्ट क्लियरेंस में, यहाँ पे पोर्ट में कंटेनर आते जाते रहते हैं और आप हमारी जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हो, जगह घेर के बैठे हो, तो ये कोई फ्री में नहीं है। 7 से 8 दिन अगर हमने दे दिए तो 9वें दिन हम चार्ज लेंगे। उस चार्ज को हम डेमोरेज बोलते हैं और ये चार्ज इम्पोर्टर से लिया जाता है। इसीलिए जब भी आपका कंटेनर आए, आप फ्री डेज में उसकी क्लियरेंस करवा लें, यानी उसको पोर्ट से निकाल के अपने वेयर हाउस पर ले जाएं। अगर वहाँ रखा रह गया तो पर डे का चार्ज लगता है, और ये चार्ज 10,000 पर डे भी हो सकता है, 30,000 पर डे भी हो सकता है, 50,000 पर डे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और कस्टम टू कस्टम, या मैं कहूँ पोर्ट अथॉरिटी टू पोर्ट अथॉरिटी। तो ये कोई फिक्स नहीं है। आप कहें जी अमेरिका में तो इतना चार्ज है, इंडिया में इतना चार्ज है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। दोस्तों ये था डेमोरेज, दोस्तों ये थे डेमोरेज चार्जेस। और भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस प्रैक्टिकली सीखना है तो याद रखिए, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।